हमीरपुर के जाहू के पास एक युवक के मर्डर से क्षेत्र में दहशत बन गई है। जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय प्रदीप कुमार उर्फ सोनी रात के समय बड़ी बेरहमी के साथ गला रेत कर मर्डर कर दिया गया। सुबह के समय जब लोगों ने मुंडखर के पास सड़क किनारे खून से लथपथ मृतक प्रदीप कुमार का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर आकर छानबीन शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप कुमार टैक्सी चलाता था और कई सालों से टैक्सी चला रहा था। मृतक अपने पीछे दो लड़के और पत्नी को छोड़ गया है। वहीं पड़ताल में पता चला है कि मृतक गत रात्रि को किसी के साथ फोन पर गाली गलौज कर रहा था। मृतक युवक गांव रैली डाकखर मुंडखर का रहने वाला है और ग्राम पंचायत मुंडखर के पंचायत प्रधान प्रकाश चंद का भतीजा बताया जा रहा है। मौके पर SP रमन कुमार, DSP जसवीर सहित तमाम अधिकारी छानबीन में जुटे हुए हैं और साक्ष्यों से पड़ताल भी कर रहे हैं। फोन पर SP रमन कुमार मीणा ने बताया कि फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल जारी है। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टि में किसी तेजधार हथियार से प्रदीप का गला रेंत कर हत्या की गई है।